जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 244 केंद्रों पर 18,155 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,572 और सेकेंड डोज लेने वालों में 12,583 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि गुरुवार को 244 केंद्रों पर 18,155 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक जनपद में 32,06,000 लोगों को कोरोना का डोज लगाया गया है, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 23,40,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,67,000 लोग शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 244 जगहों पर टीकाकरण हुआ और अभी तक हमारे जनपद में आज के दिन 17,400 से ज़्यादा का टीकाकरण हो गया है। टोटल हमने 32,06,000 से ज़्यादा का डोज लगा दिए हैं, उसमें से 23,40,000 फर्स्ट डोज और 8,67,000 सेकेंड डोज लग गया है। सर, जनता जनता से हमारी अपील है कि अभी भी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं कोरोना फर्स्ट डोज के लिए और सेकेंड डोज के लिए। फर्स्ट डोज के काफ़ी लोग छूटे हैं, करीब 8,00,000 के आसपास हमारे छूटे हुए हैं, जिनको हमारे सेंटरों पर आना है और वैक्सीनेशन कराना है। उनसे अपील है कि हमारे सभी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों पर, अब तो हमारे छोटे छोटे अस्पतालों पर भी टीकाकरण चल रहा है और हमारी टीका वैन भी चल रही है जो गांव-गांव घर-घर घूम रही है। उनके किसी भी माध्यम से किसी भी जगह पर सब लोग अपना टीकाकरण करा लें। और सेकेंड डोज से छूटे हुए लोग, जिनका कोविशील्ड में 84 दिन हो गया है और कोवैक्सीन में 1 महीना हो गया है, तो हमारे सेंटरों पर आएँ, अपना सेकेंड डोज पूरा करें, जिससे कि वो पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाए और हम जिले को कोरोना से सुरक्षित कर सकें।